स्वागत आपका मेरी चैनल द सिटी वुमन में, जहाँ पे हम बात करते हैं वुमन फैशन एंड लाइफस्टाइल की। ये चैनल पे मैं ज्यादातर हॉल वीडियोस बनाती हूँ और स्टाइलिंग वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं मेरे किड्स के साथ जो भी एक्टिविटी करती हूँ, आने वाले वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स और वो सब डालती रहती हूँ। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टूडेज वीडियो। सो टूडेज वीडियो इज ऑल अबाउट माई अमेजॉन ज्वेलरी कलेक्शन। मैंने अमेजॉन से बहुत सारी ज्वेलरी मंगवाई है और मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैंने दो एंकलेट्स भी मंगवाए हैं। और ये सब ज्वेलरी अभी आने वाली वेडिंग सीजन में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप इसमें से कोई भी ज्वेलरी ले सकते हो। अगर आपकी शादी होने वाली है तो अगर आपकी शादी की जो कलेक्शन आप जमा कर रहे हो उसमें भी आपको ये कोई भी ज्वेलरी आप ले सकते हो। बहुत सारी ज्वेलरी ग्रीन पे है, मरून पे है, तो ये सब ज्वेलरी अच्छी लगती है शादी के बाद पहनने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द हॉल। सो हॉल में जो मेरी सबसे फर्स्ट ज्वेलरी है और मेरी सबसे फेवरेट ज्वेलरी है वो ये है। ये एक ज्वेलरी सेट है और ये ऐसे वाले पैकिंग में आया था, प्लास्टिक बॉक्स पैकिंग में आया था और अंदर प्लास्टिक बैग में था। बट ये बहुत ही अच्छा एक चौकर सेट है और ये मजेंटा ग्रीन और गोल्डन वैसे कुंदन वर्क में है पूरा, और ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता है। आप ट्रायन वीडियो में भी देख सकते हो। और फिर उसके साथ ऐसी दो इयररिंग्स दी है, आप कंप्लीटली ट्रायन वीडियो में देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सेट। और ये नेक में भी चौकर प्रॉपरली बैठ जाता है। बहुत सारे चौकर ऐसे रहते हैं कि जो नेक में प्रॉपरली फिट नहीं होते हैं। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और जो गोल्डन कलर है वो गोल्डन कलर ज्यादा गोल्डन ना होके थोड़ा कॉपर गोल्डन टाइप्स लग रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सेट है, आप ये बहुत सारे कलर के कपड़े के साथ पहन सकते हो। स्पेशली आपके डीप नेक जो भी ड्रेस रहते हैं, लहंगा चोली रहते हैं, साड़ीज के ब्लाउज रहते हैं, वो डीप नेक में ऐसा चौकर बहुत ही अच्छा लगता है। ये आपका पूरा गला पूरा आपका फील कर देता है। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट ज्वेलरी है वो भी बहुत ही अच्छी है और सब ज्वेलरी की पैकिंग बहुत ही अच्छी आई है। कोई कोई ज्वेलरी की पैकिंग तो ऐसे गिफ्ट बॉक्स रहते हैं, वैसी पूरी पैक होके आई है। तो ये जो नेक्स्ट ज्वेलरी थी ये भी कुछ नई ब्रांड है। मैंने पहले वाली जो ज्वेलरी थी वो भी कोई नए ब्रांड से ली है, ये भी नए ब्रांड से ली है। ये हॉल में मैंने सब ज्वेलरीज नए ब्रांड से ली है, फिर सिर्फ एक ही है जो मैंने ज़वेरी पर्ल से ली है, बाकी सब ज्वेलरी मैंने नए नए ब्रांड से ली है। तो इसका पूरा ऐसे बॉक्स पैकिंग आया था। मैंने अभी जस्ट ट्रायन वीडियो किया है तो सब पैकिंग मैंने अभी ही ओपन किया है, बट सब ज्वेलरी बहुत अच्छी तरीके से पैक होके आई थी। और ये ज्वेलरी भी बहुत ही अच्छी है, इसमें इसका ऐसे टीका है और फिर इसके इयररिंग्स है और ये पिंक में है। इसमें बहुत सारे कलर थे, ग्रीन थे, रेड थे, मरून था, बट मुझे पिंक अच्छा लगा क्योंकि लाइट कलर के कोई भी कपड़े के साथ ये पिंक वाली ज्वेलरी अच्छी लगती है। और ये आप इससे अच्छे खासे लहंगा चोली के साथ पहन सकते हो, साड़ीज के साथ पहन सकते हो। अगर आपको हैवी लुक क्रिएट करना है तो इसके साथ एक मांग टीका भी दिया है, तो वो मांग टीका से आप इसे बहुत ही अच्छी खासी हैवी लुक भी दे सकते हो। इसकी जो मोती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के है, एकदम चीप क्वालिटी के नहीं लगते हैं इसके मोती। और ये भी पूरी कुंदन की ज्वेलरी है, बट कुंदन का काम बहुत ही नीट एंड क्लीन किया हुआ है। जो गोल्डन कलर है वो भी इतना ज्यादा गोल्डन नहीं लगता, एकदम माइल्ड गोल्डन कलर है। नॉर्मली इंडियन स्किन टोन पे ऐसे माइल्ड गोल्डन कलर ही अच्छे लगते हैं। सो यस, उसके बाद मैंने मेरे एक सब्सक्राइबर के डिमांड पे दो एंकलेट्स मंगवाए हैं। मैं सबको बोलती रहती हूँ अगर आपको आगे कोई वीडियो की डिमांड है तो आप मुझे बताइए। तो स्पेशली मेरे ये सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप एंकलेट्स का हॉल कीजिए, तो मैंने ये इसमें ही इंक्लूड किए हैं वो एंकलेट्स। मैंने दो एंकलेट्स मंगवाए हैं और दोनों ट्रेडिशनल है, तो उसमें से जो एक एंकलेट है उसकी तो बॉक्स पैकिंग बहुत ही अच्छी होके आई थी। पूरा ऐसे फ्लावर वाला पूरा बॉक्स है, आप ऐसे ही किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। ऐसे ही वो बॉक्स को आप पैकिंग करके अगर आपको किसी को गिफ्ट करनी है तो भी कर सकते हो। और ये स्पेशली एंकलेट्स ब्राइडल लुक वाले थे। मुझे नहीं पता था उन्होंने कैसे वाले एंकलेट्स डिमांड किए थे, कैसे वाले एंकलेट्स बोले थे, बट आई थॉट कि चलो मैं टू टाइप्स ऑफ एंकलेट्स लेती हूँ, उन्हें हेल्पफुल हो जाएगा। तो फर्स्ट है ये पूरा ऐसे भरा हुआ एंकलेट है,
आपका ये पूरा मतलब अगर आपकी वेडिंग है, मतलब आपकी खुद की शादी है, तो आप ये वाला एंकलेट पहन सकते हो। ये बहुत बहुत ही अच्छा लगता है और इसकी जो फिंगर रिंग है वो भी एडजस्टेबल है, तो कोई भी इसमें साइज की जरूरत नहीं है, कोई भी पहन सकता है। इसकी जो चेन है वो भी बहुत बड़ी वाली दी है, तो आपके कोई कैसे भी साइज में ये एडजस्ट हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब शादी के बाद जो एक रस्म रहती है, जो हमें घर में गृह प्रवेश करवाते हैं, वो टाइम पे अगर आपने मेहंदी लगाई है और ऐसे वाले आप एंकलेट पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ट्रायन वीडियो में मैंने सिर्फ नॉर्मली ही पहना है, बट मेहंदी वाले लेग में ये बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये एक मैंने हैवी वाला एंकलेट मंगवाया था, स्पेशली ब्राइडल में ये बहुत ही यूजफुल होगा। आपकी शादी होने वाली है या तो आप अपने किसी भी फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव को ऐसी कोई एंकलेट गिफ्ट भी कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने जो दूसरे एंकलेट मंगवाया है वो बहुत ही सिंपल है। ऐसे एंकलेट कोई भी पहन सकता है, ड्रेसेस के साथ पहन सकता है, साड़ीज के साथ पहन सकता है। और इसकी पैकिंग भी ऐसी छोटे से प्लास्टिक बॉक्स में आई थी। सबकी पैकिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब आप उसे अच्छी तरीके से रख भी सकते हो। और उन्होंने बहुत ही अच्छा सा एक थैंक यू कार्ड भी दिया था। सो ये एक अच्छा जेस्चर होता है, जब भी हम किसी के पास से शॉपिंग करते हैं वो लोग हमें ऐसे छोटे छोटे कार्ड भेजते हैं। तो ये एकदम सिंपल सा एंकलेट है, सिर्फ कुंदन का एंकलेट है और इसमें एक अच्छा खासा बड़ा सा एक ब्रॉच दिया है। ये भी सब एडजस्टेबल है क्योंकि इसमें ऐसे ज्यादा बड़ी चेन दी है, तो आप इसे एडजस्ट करके पहन सकते हो। और इसमें एक मरून कलर है, ग्रीन कलर है, तो ये आपके बहुत सारे कपड़े के साथ मैच हो जाएगा। ऐसे वाले एंकलेट्स आप प्लाजो के साथ, सिगरेट पैंट के साथ भी पहन सकते हो। बहुत लोग रेगुलरली साड़ीज पहनते हैं तो साड़ीज में भी पहन सकते हो। तो यस, उसके बाद जो मैंने एक ज्वेलरी सेट लिया है वो जवेरी पल से है। जवेरी पल से मैं रेगुलरली ज्वेलरी लेती रहती हूँ, तो ये वाला सेट मैंने जवेरी पल से लिया है। ये बहुत ही सिंपल सा, एकदम डेलिकेट सा सेट है और इसका रेट भी बहुत ही कम है। तो ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे इयररिंग्स और चौकर के साथ। इसमें ग्रीन कलर है, मजेंटा कलर है, कुंदन वर्क किया हुआ है, मोती वर्क है, तो ये आपके बहुत सारे कलर के कपड़ों के साथ चलता है। और ऐसा चौकर आप साड़ीज में भी पहन सकते हो, कुर्तीज में भी पहन सकते हो, ड्रेसेस में भी पहन सकते हो, तो ये बहुत बहुत ही अच्छा लुक देगा। और सब चौकर ऐसे है कि जो गले में बराबर से फिट हो रहे हैं। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कोई कोई चौकर ऐसा रहता है जो गले में ऐसे फिट नहीं होता, तो इट डजंट लुक गुड। बट ये सब चौकर जो है वो अच्छे खासे नेक में बराबर से फिट हो रहे हैं। उसके बाद जो मैंने दो ज्वेलरी सेट मंगवाए हैं वो मैंने लॉन्ग वाले मंगवाए हैं। लॉन्ग वाले ज्वेलरी सेट ज्यादातर प्लेन ड्रेसेस में अच्छे लगते हैं, मतलब अगर आपने प्लेन कुर्ती पहनी है, अगर आपने कोई प्लेन ड्रेस पहना है जिसके साथ आपने दुपट्टा प्रिंट वाला लिया है और ड्रेस प्लेन है, उसके साथ अच्छा लगता है। साड़ीज के साथ भी ऐसी लॉन्ग ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने एक ज्वेलरी जो है वो मैंने जवेरी पल से मंगवाई है और इसमें मैंने ग्रीन कलर मंगवाया है। ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है जो बहुत सारी चीजों में अच्छा लगता है, एकदम रॉयल लुक देता है। तो वो एक ये ग्रीन कलर का लॉन्ग सेट है और इसका जो पेंडेंट है उसमें पिकॉक है। तो पिकॉक वाली ज्वेलरी वैसे भी एक एकदम ट्रेडिशनल लुक देती है और पिकॉक दिया हुआ है और पिकॉक एक ऑटोमेटिकली एक हमें इंडियन ट्रेडिशनल लुक दे देता है। इसकी इयररिंग्स भी बहुत अच्छी है, जो पेंडेंट है सेम टू सेम ऐसी बड़ी इयररिंग्स है और इसमें भी पिकॉक है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो ग्रीन कलर है वो आपके एक बहुत सारे डार्क कलर के कपड़े में मैच हो जाता है। और इसकी जो मोती का काम किया हुआ है, कुंदन का काम है इसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के भी मोती है, तो ये बहुत ही एक मिक्स लुक देता है। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट ज्वेलरी मंगवाई है वो भी ऐसे लॉन्ग ज्वेलरी ही है। ये ज्वेलरी में भी ऐसे पिकॉक है, पता नहीं मुझे पिकॉक वाली ज्वेलरी बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो ये भी ऐसी पिकॉक, इसकी पेंडल में ऐसा पिकॉक दिया हुआ है।
और सेम वैसे छोटे छोटे पिकॉक पूरी चेन पे दिए हुए है। और पिकॉक इटसेल्फ इज गिव यू मल्टी कलर लुक, बहुत सारे इसमें कलर्स है और स्पेशली ये व्हाइट मोती का जो चेन है तो ये आपके बहुत सारे कपड़े में मैच हो जाएगा। और प्लेन कुर्ती में, प्लेन ड्रेसेस में, साड़ीज में आप ऐसा लॉन्ग हार पहन सकते हो तो ये आपको बहुत ही रॉयल लुक देगा। इसका जैसा पेंडेंट है वैसी ही इसकी इयररिंग दी हुई है, बट इयररिंग कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी लग रही है, बट इट्स ओके, आप इसके साथ कोई कॉन्ट्रास्ट में कुछ इयररिंग भी पहन सकते हो, एज इसमें बहुत सारे कलर है तो उसमें के कोई कलर की भी इयररिंग पहन सकते हो, या तो व्हाइट कलर के मोती की भी कोई बड़ी इयररिंग पहन सकते हो, और या तो आप यही वाली इयररिंग पहन सकते हो अगर आपको इतना ज्यादा हैवी लुक नहीं क्रिएट करना है तो। बट यस, दिस ज्वेलरी इज ऑल्सो गुड, और इसकी चेन बहुत ही लंबी है तो आप इसे बहुत ही लॉन्ग नेकलेस की तरह पहन सकते हो। उसके बाद जो ज्वेलरी है वो अगेन एक चौकर है, ये भी बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही हैवी लुक दे रहा है क्योंकि इसमें कुंदन नहीं है, इसमें पूरा ऐसा डायमंड वर्क है और ग्रीन कलर का है। इसमें भी और एक कलर था, रेड कलर भी था, तो आप चेक कर सकते हो अगर आपको ग्रीन नहीं रेड कलर चाहिए तो। बट ग्रीन कलर ऐसा रहता है जो बहुत सारे कपड़ों के साथ मैच हो जाता है। इसके जो इयररिंग्स है वो ऐसे स्टड्स इयररिंग है, हैंगिंग नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैंगिंग इयररिंग पहनना नहीं पसंद करते हैं तो वो ऐसे स्टड्स इयररिंग भी पहन सकते हैं। बट ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप आपकी कोई भी डायमंड वर्क वाली साड़ी के साथ ये पहन सकते हो, डायमंड वर्क वाले कोई ड्रेस के साथ ऐसा पहन सकते हो। अगर आपको ज्यादा हैवी लुक नहीं क्रिएट करना है तो ये चौकर बहुत ही सिंपल और बहुत ही रॉयल लुक देगा। उसके बाद की जो ज्वेलरी है, आई कांट से कि वो कम्प्लीटली ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, वो थोड़ा आपको इंडो वेस्टर्न लुक में भी अच्छी लगेगी। आप कोई प्लेन टॉप के साथ भी ऐसी ज्वेलरी पहन सकते हो। और इसकी पैकिंग तो बहुत ही अच्छी आई है, ये पूरा ऐसी इसकी बॉक्स पैकिंग आई है, तो ये आप किसी को अगर गिफ्ट करना चाहते हो जो ज्यादा ज्वेलरी, इंडो वेस्टर्न ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं ऐसे। आगे भी मैं सोच रही हूं मैं कम्प्लीटली इंडो वेस्टर्न ज्वेलरी का एक हॉल बनाऊं, बट अभी के लिए मैंने एक इसमें इंडो वेस्टर्न ज्वेलरी ली है। ये बहुत ही अच्छी लग रही है, फुल कलरफुल ज्वेलरी लग रही है। मतलब आई कैन से कि इसमें बहुत सारे कलर है। इसमें इयररिंग नहीं दी हुई है, ओनली नेकलेस है। आप इसके साथ कोई भी इयररिंग को पेयर अप कर सकते हो, एज इसमें बहुत सारे कलर है तो आप कोई भी स्टड ले सकते हो, टॉप्स इयररिंग पहन सकते हो। ऐसी वाली ज्वेलरी आप कोई भी हाई नेक टी शर्ट, प्लेन टी शर्ट जो भी रहेगा, हाई नेक प्लेन टी शर्ट रहेगा, इसके साथ पहन सकते हो। जैसे विंटर आ रही है तो हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लेन टी शर्ट पहनते हैं, हाई नेक टी शर्ट पहनते हैं, तो उसके साथ ये ज्वेलरी बहुत ही अच्छी लगेगी। और बहुत ही क्लीन काम किया हुआ है, स्पेशली आप किसी को अगर गिफ्ट करना चाहते हो तो ये ज्वेलरी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अमेजोन से मुझे एक चीज में डिसअपॉइंटमेंट हुई है। एक्चुअली ये सब ज्वेलरी मुझे लास्ट वीक में, दो तीन ज्वेलरी साथ में आई थी, दो तीन ज्वेलरी बाद में आई थी, और आज ही मैंने सब ज्वेलरी ओपन की जिसका मैंने फर्स्ट अभी ट्रायन वीडियो किया था और अभी मैं इसका रिकॉर्डिंग कर रही हूं। जैसे ही मैंने ये वाली ज्वेलरी ओपन की तो ये वाली ज्वेलरी डिफेक्टिव है, टूटी हुई ज्वेलरी है। आई डोंट नो, अमेजोन पे चीजें बहुत अच्छी मिलती है, बहुत ही अच्छे रेट में मिलती है, बट ऐसी चीजें हो जाती है तो हमारा ट्रस्ट थोड़ा अमेजोन पे थोड़ा डाउटफुल हो जाता है कि अरे यार, हम लोग अमेजोन से इतनी सारी चीजें मंगवाएंगे बट सही चीज आएगी या नहीं आएगी। I don't know इसका एक्सचेंज टाइम अभी है या नहीं, मैं इसे एक्सचेंज में डालूंगी, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज ही ये ज्वेलरी ओपन की और ये टूटी हुई है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये ब्रांड है श्रेयान जाइंस करके ये ब्रांड है, इनकी अच्छी खासी वेबसाइट भी वो लोग बोल रहे हैं। बॉक्स पैकिंग भी बहुत अच्छी थी, ज्वेलरी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, पर अगर आप चीजें डिफेक्टिव भेजोगे तो आप पे कैसे हम लोग ट्रस्ट करेंगे, तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये वो ज्वेलरी है, पूरी ऑक्सोडाइज की ज्वेलरी है, बट ये आप देख सकते हो कि ये पूरी यहां से ब्रेक की हुई है। कम्पेयर टू प्राइस, कम्पेयर टू क्वालिटी, थिंग्स आर रियली गुड, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस
डिफेक्टिव पीस मैं इसके लिए आपको नहीं बोल सकती कि देर आर चांसेस आपको भी वो कोई डिफेक्टिव भेज सकते हैं, तो यस अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हो। और बट आई एम सेइंग कि जब भी आपको कोई ज्वेलरी आए आप उसे वही दिन या एक दो दिन में उसे ओपन करके देख लीजिए, तो आपको भी पता चला आपका एक्सचेंज पीरियड नहीं चला जाए, रिटर्न पीरियड है एक्सचेंज पीरियड है वो नहीं चला जाए। तो यस एक ये चीज है जो मैं सबको बताना चाहती हूँ, जब भी आप चीजें ले रहे हो ऑनलाइन स्पेशली अमेजोन से, तो यस ये बात आप ध्यान में। सो यस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे वीडियो शेयर करते रहिए। और यस आगे भी अगर आपकी कोई वीडियो की डिमांड है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे सब वीडियोज लेके आती रहूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।